आजकल कैसे भी पूछो के हाल छन, जवाब मिललू बहुत बढ़िया, पर वास्तविकता यह छे कि कोई भी बहुत बढ़िया नीचे। आज का ये युग में बहुत बढ़िया जिंदगी जीवन वाकई बहुत मुश्किल छे। भगवान बाजी जाओ, हम गोठम बना खाना, गोठम अमल मिस्त्री का खाना गोठम दे रहा हमन। जब ये मकान लगे ना पुराण तो मिस्त्री तो हमारे गोठम दे रहा खाना। अच्छा, गोठम में पका गोठम में वो भी अलोड़ सागर जुगर इन इन दिन कटे मिले डानो। अकेले रहन छा बरे? अकेले रहन छा मैं और गोठम रहन छा दी बा यार बुढ़ा बेर ना। अमी अकेले रहन छा दिया। अच्छा, पैतीस चालीस साल मतलब मूल गाँव का तुम्हारो मेहंदी? अच्छा, वो की बटे माइग्रेट हो गया। मनिखों का वास्ता पग पग संघर्ष, मगर ये संघर्ष भरी जीवन थे अगर कोई हैसी की गुजार दियो तो बहुत ही बड़ी बात। भगवान जी नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जी। मेरा गाँव नाम मैं कौनी खा रहा छोरी पौड़ी की माया लगे जदौड़ी की, सुशीला छोरी पौड़ी की माया लगे जदौड़ी की, सरा पौड़ी शर्मा तेरा ना का चर्चा, सरा पौड़ी शर्मा तेरा ना का चर्चा, जैन भी तो से प्रीत लगाए वग्यो खर्चा सुशीला छोरी पौड़ी की। गौ पुछार का माध्यम से आज हम आपसे इन्हीं गौ में ले जाना छो, जैसे देखी कि आप भी बोल देला बहुत बढ़िया। अच्छा, कब चलो? नमस्ते। हाँ, मेरा नाम क्या था? बोल अपना नाम बता। क्या तेरा नाम? मेरा नाम क्या था? बता दे। नाम क्या? सुधांशु। मेरा नाम क्या था? मेरा नाम क्या था? कुछ होमी बोल दे कुछ होमी। बोल बगोड़ी। बोल बगोड़ी। पूरा नाम बता क्या नाम बता दे। पूरा नाम बता दे। अरे तो बने जो तो बने ये गाँव में रहने वाला लोगों को जीवन में खैरियों को पहाड़ और विपताओं को समुद्र, मगर फिर भी यू को जीवन च बहुत बढ़िया। ये गांव को नाम च कौणी खाल या मेंदणी गांव की टोक च। रिखनी खाल से 1 किलोमीटर पहले बयल गांव च और वे बयल गांव का ठीक ऐंच 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़े का बाद यु गांव च कौणी खाल। यु गांव वन दिखे भी नहीं च,
जब ये गांव का बिल्कुल मुखेतर जाओ तभी पता लगते कि हाँ गांव है ये। न यक खेती च न बाढ़ सको, ये गांव मात्र 4 मकान छ और गांव की जनसंख्या 15। मकान कम होने का कारण कोई भी सरकार की योजना यखनी पहुंची। सड़क आन तो बहुत दूर की बात छ, ये गांव में पीना का वास्ता पानी तक नहीं छ। पीने को पानी भी यूं को खचरों में ले जा। सब ये गांव की बड़ी परेशानी छ, तो पानी भी जो गड़ मानो छ। तुम्ही रोज ही दोनों कपड़े यार हफ्ता में महीना में एक हफ्ता में हफ्ता में नहीं जाऊँ सुबह 10 बजे चार अच्छा एक चुटकी सुना दे तू अब तो चुटकी अच्छा पैटान पुर दो अच्छा बावजूद यू खैरियों को यू लोग जीवन से जीना छन बहुत बढ़िया। ये लोग अपनी खैरी भी इन सुनन दी ना जन बुले कोई चुटकीला सुनाणो बोल। अभी दिक्कत है, अभी तक मैं जाने सड़क नहीं छ, सड़क नहीं छ, पानी नहीं छ। सड़क आली कभी सड़क हम लोग मांगना छ चौकी क्योंकि हम तहसील बाणो आयल छ। अच्छा है ना, तो तहसील हम बनना तो जब तहसील बाणी तो दगर दगर मतलब एक रोड गड़े जा किले हम तो अभी आन जानो बहुत दिक्कत है। नंबर दूसरी बात पानी तो बहुत ही ज्यादा परेशान छ। पानी जमा ना कद क कर तो क बडे लो ना पानी गड़ा पानी ला लो गड़ो पानी बडे लो और फिर बयल गांव बडे ले नो वो ये हम तो गाली क्लोज कर दी पानी ले लिया। तुम अब हम ये को तमाल पुराना को मन मा के पानी ले गा बड़ तमाल पे चक्कर हमरा खचरा जाने तो उ का भी फोटो दे दी ना। बजाय रूणा का ये लोग अपने जीवन थे हंसी खेली की बिताना चल। क्या पानी टंकी चा? हाँ। एक पानी आऊं दो। पानी तो हाँ नहीं पर टंकी बनाया ची किसी भी बाग बड़े बरसात तक टैंक। अच्छा। कि जो भी बर का पालन हम वो पानी तो इकट्ठा कर ला अपना गोर बसरू तो पिया सको। अच्छा अच्छा नमस्कार। मैं बड़े साथ ची। हाँ बस बैठे हैं शायद अब तो जाने की तैयारी चा। ये बोल दन कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे पर हम तो अपना जीवन हंस-हंस के बिताएंगे। छम-छम छम-छम नाचेंगे और गुनगुन गुनगुन गाएंगे। सकारात्मकता ये गांव की सबसे बड़ी ताकत है और नकारात्मकता
ये गांव को सबसे बड़ो दुश्मन छे। सुनाने तीन कविता गीत कविता कविता चलो सुनाओ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोर से ताली। भी आप और ये कौन खा लो मेरा की सबसे बड़ी बुआरी छो। अच्छा है? अरे हमरा ये हमरा दादा बड़ा काका मिस सब बड़े बड़ी बुआरी छो। अच्छा और ये सबसे छोटी बुआरी नामी बीचे बीचे की बुआरी छो। हैं ये तो छोटा छोटा दियो और रे आज उनका ब्यो नहीं हुआ। अच्छा और तुम? मैं दूसरा नंबर। अच्छा यानी कि पहली हमारी बहुत पुरानी परंपरा छ। मतलब मियाँ दादा मियाँ बूढ़ ससुर सबसे बड़ी शौक छ। रोजगार भी रोजगार भी यू कनू कनू भर के चेने लगे। अच्छा अच्छा। ये गाँव का वास्ता हम बोल सकते बहुत बढ़िया।